अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अहमद नईम ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस और अपडेट्स मिल सके। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर टू इस्लामाबाद M2 मोटरवे पे, और इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से लाहौर। और मोटरवे का मैं आपको थोड़ा सा व्यू कराता हूँ। काफ़ी लेट नाइट इस बार सफ़र स्टार्ट करा था, तकरीबन कोई 12 कुछ बज रहे थे। बहरहाल तो सफ़र स्टार्ट किया। अब ये है कि ऑलमोस्ट सियाल तक गाड़ी चला ली है, लेकिन अब नींद आ रही थी, सोचा स्टॉप लिया जाए। कॉफ़ी ली, बहुत ही बकवास कॉफ़ी मिली, तो दो जगह से ली, दोनों जगह से लेके पी नहीं गई, तो किसी को फिर पिला दी ज़बरदस्ती कि भाई आप पी लो। फाइनली फिर उसका हल निकाला कि रेड बुल ले ली जाए। अब रेड बुल जो है ना, अगर ड्राइविंग है या कुछ ऐसा है तो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, या चॉकलेट ना, तो वो कुछ काम कर देती है। फ़िलहाल यहाँ स्टॉप लिया है, इससे हाल स्टॉप है। रात को भी काफ़ी एक्टिव है ये, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बहुत, तो 2:30 बजे भी एक्टिव है। मतलब थोड़ा व्यू करें, सफ़र को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये देखें जी, सियाल पे बसेस, गाड़ियाँ सब स्टॉप ले रही हैं, स्टिल बसेस अभी तक आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं इसका आपको एक जो है 360 व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ गोरमे बेकर्स है, KFC अभी बंद हुआ है, स्वीट स्पाइस, ये छोटे मोटे फ्रूट्स, ये वो, ये हमारी गाड़ी खड़ी है। राहत बेकर्स है पीछे, पंप है, मुख्तलिफ सर्विसेज इस वक्त यहाँ पे सब एक्टिव हैं, लोगों की हिल जुल। तो अच्छा है, खाना पीना सब कुछ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब ये जो है बेसिकली वापसी का मेरा सफ़र है, तो इसमें मैं तकरीबन जो है, ये मेरा ट्रिप जो है 3-4 दिन का अप्रॉक्सीमेटली रहा। तो अर्ली विंटर्स थोड़ा सा था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कुछ मसरूफियात की वजह से जो है, मेरे अपने काम की वजह से मैं इसको टाइमली अपलोड नहीं कर सका, तो कुछ टाइम लग गया। लेकिन होपफुली आपको अर्ली विंटर्स का कुछ इसमें देखने को मिला होगा और इन्जॉय भी करा होगा, क्योंकि इसमें कुछ फॉग की भी बात मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो अब ये बस वापसी के सफ़र को हम इन्जॉय करते हुए वापस अभी लाहौर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला सफ़र तो इख्तिताम होगा, और आपको मेरे कुछ पुराने व्लॉग्स भी देखने के लिए मिले होंगे, होपफुली आपको वो भी पसंद आए होंगे, या कुछ इन्फॉर्मेशन उनमें से भी आपको ज़रूर मिली होगी। बाकी अब मेरा नेक्स्ट सफ़र जो होगा वो लाहौर से कराची के लिए होगा, तो माइट बी मैं जो है बाय रोड करता हूँ या बाय एयर करता हूँ भी, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट वी विल सी। और मैं आप लोगों से ज़रूर अपना प्लान भी शेयर करूँगा। उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट ट्रिप है, कुछ इंटरनेशनल ट्रिप भी है, तो टर्की वगैरह का, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको उसकी भी व्लॉग वीडियोस वगैरह दूंगा, टिप्स उसमें क्या है और किस तरह से आप लोगों ने करना है, तो वो भी होपफुली आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने डे की ट्रैवलिंग इन रोड्स की ऑलरेडी देख ली है, अगर नहीं देखी है आपने मेरी तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं, तो उसमें आपको डे की ड्राइविंग कॉन्सेप्ट, रोड्स का इस वक्त का आइडिया हो जाएगा, किस तरह की है, किस तरह ट्रैवल करना, उसमें कुछ टिप्स भी मौजूद हैं। तो आप लोगों को मैं हेल्प आउट के लिए इसके अंदर जो है लिंक को जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग जाके चेक कर लें। उसके अलावा जो है सारी कंप्लीट डिटेल मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी आपको, तो आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा, इस वक्त हम जो निकले हैं तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे का रास्ता है अप्रॉक्स मरी से जो है लाहौर का। तो इसमें हम लोग जो है मोटरवे पे स्टॉप ले लेते हैं, जैसे कि कलर कहार है, चक्री है, और 2-4 और आते हैं यहाँ पे,
भेरा का स्टॉप है, तो इन जगहों पे रुकते हैं। जैसे जैसे सफर हमारा आगे बढ़ रहा है, फॉग भी बढ़ती जा रही है लाहौर की तरफ। फॉग काफी हो रही है मोटरवे पे भी। इस वक्त जो है हम जैसे जैसे लाहौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्पेशली ये जो है पिंडी भटियां से आगे, तो फॉग भी बढ़ती जा रही है। नॉर्मली पंजाब में जो फॉग है विंटर के अंदर वो ज़्यादा होती है, स्पेशली अपर पंजाब यानी फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल तक की जो पट्टी है इसमें काफ़ी फॉग होती है। तो नॉर्मली कोशिश करें कि विंटर में एक तो रात की ट्रैवलिंग ना करें अगर आप न्यू ड्राइवर हैं स्पेशली, और फिर भी अगर रेगुलर ड्राइवर भी हैं तो फिर भी लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो मैं भी इत्तेफाक से बस क्योंकि दूर से आ रहा था, कुछ रास्ते में सिचुएशन ऐसी हो गई कि, लेकिन अभी इतनी नहीं है बट स्टिल फॉग है, विजन अभी तक नज़र आ रहा है, वरना अक्सर तो इसकी विजिबिलिटी 0 डिग्री तक हो जाती है, तो हद निगाह जिसे सिफर कहते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ आप लोगों ने सेफ्टी का ख्याल रखना है, अपनी लाइट जो है कोशिश करें वाइट लाइट्स ना यूज़ करें जब ज़्यादा फॉग हो, या इस पे पेपर लगा लें। फिर आपको ट्रैक्स का ख्याल करें, स्पीड अपनी कंट्रोल रखें, अक्सर औकात तो मोटरवे भी बंद हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा ये कि ख्याल रखने वाली बात है क्योंकि फॉग के हादसात अल्लाह ना करें आप लोगों ने काफ़ी प्रीवियसली भी देखे हैं। तो बस एक कुछ ये टिप्स थी आप लोगों के लिए जिसको आप लोग फॉलो करें। तो ज़िंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। फ़िलहाल मेरी तरफ़ से खुदा हाफ़िज़।